बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सोमवार को मिला जुला रहा मक्के का बाजार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। सोमवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते। दाहोद और कोटा में दर्ज हुई 100 रुपए की तेजी, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2400 रुपए था, जो 29 जनवरी को 100 रुपए चढ़कर 2500 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2100 रुपए रहा, 29 जनवरी को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार नरम भाव पर हुआ। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2130 रुपए था, 29 जनवरी को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2120 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते दो दिन यानी 27 और 29 जनवरी को मक्का का भाव 2250 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट मक्का पर, और अब हम जो हमारे आज बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आइए उनके साथ अपना संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, नमस्कार। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो मक्के का बाजार है वो, उस पर आपकी क्या राय है? अगर हम बात करें मक्का की, तो मक्के के बाजार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। इस बार भारत के अंदर हमने एक अच्छी क्रॉप आती हुई देखी है और अच्छी पैदावार की वजह से हमने देखा है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिली है। मंडियों के अंदर आवक भी हमने आती हुई देखी है। अगर हम बात करें मक्के के आने वाले दिनों में, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में आवक भी बढ़ सकती है और वैश्विक स्तर पर भी अच्छी पैदावार देखी गई है और वैश्विक स्तर पर भी हमने भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड होते हुए देखा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? मक्के के किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे क्रॉप का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रॉप की आवक बढ़ेगी, तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि बम्पर पैदावार है और आगे हमें लगता है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे बढ़ेंगे हम अपने इस बुलेटिन में। और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ अरहर का कारोबार, दाहोद मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की गिरावट। गाजियाबाद मंडी में 2260 रुपए पर हुए जौ के सौदे, तो जयपुर मंडी में 1825 रुपए प्रति क्विंटल रहे भाव। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और अब बात करते हैं अरहर की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला है। गुजरात की दाहोद मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी भी रही। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट।
सोमवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की दाहोद मंडी में रही। एग मार्केट के अनुसार 27 जनवरी को यहां अरहर का भाव था 8,550 रुपए, 29 जनवरी को ये 250 रुपए गिरकर 8,300 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की राजकोट मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 27 जनवरी को अरहर का भाव 10,100 रुपए था, 29 जनवरी को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 10,000 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 जनवरी को अरहर का भाव 9,250 रुपए क्विंटल था, जो 29 जनवरी को 50 रुपए लुढ़क कर 9,200 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 27 जनवरी को अरहर का भाव 9,000 रुपए था, 29 जनवरी को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 9,100 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट जो कि अरहर पर आधारित थी। हमारे जो बाजार के जानकार हैं अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ संपर्क साधने का प्रयास करते हैं एक बार फिर और अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। तो अनुज जी, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आने वाले दिनों में अरहर का भाव कैसा रह सकता है? अरहर की बात करें तो अरहर में हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है, कुछ क्रॉप में कमी देखने को मिली है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्रॉप में की आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है, और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में भावों में कुछ हाल आता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अरहर की, तो यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में एक उछाल आ सकता है। ठीक है, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली आपकी? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्योंकि पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है और आगे आवक जो है कुछ कम देखी जा सकती है। हालांकि डिमांड का असर रहेगा, तो डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। आवक भी थोड़ी सीमित है, उसके चलते भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर अरहर को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आगे बढ़ेंगे हम बुलेटिन में। और अब बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 14,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका भाव रहा 6,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं केले की। केरल की मंजेरी मंडी में केले का भाव रहा 2,850 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं पपीते की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,200 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,995 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज की जर्नी जो हमारी है वो जयपुर पहुँच गई है। देखते हैं कि किस तरह से किसान जो है कृषि विज्ञान केंद्र विज्ञान से जुड़ रहा है। तो कृषि विज्ञान केंद्र ने भूमिका निभाई, उसके तहत सभी लोग किसान जुड़ करके अच्छे अच्छे रोजगार पा रहे हैं। अजोला खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाया जाता है, पशुओं को स्वस्थ रखा जा सकता है। हमारा किसान जो है अपने कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, अपने जो खेती में लागत है उसको जो है ना कम कर सके, जिससे उसको जो है ना मुनाफा ज्यादा हो। आर्या परियोजना से जुड़ के और गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। पहले मैं 15-20 बकरियां पालता था, अभी 80-70 बकरी है। राजस्थान से देखिए किसान और विज्ञान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 31 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,075 रुपए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,230 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की जोधपुर मंडी में बाजरे की खरीद 2,350 रुपए पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो बाजार के जानकार हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अनुज जी। तो यहाँ पर बाजरे की हम बात कर रहे हैं, तो बाजरे का जो भाव है, प्रश्न उठता है कि वो आगे किस ओर जाते देख रहे हैं आपको, आपको इसके भाव बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर हमने अच्छी पैदावार होती हुई देखी है। मोटे अनाजों की अगर हम पूरे मोटे अनाजों की बात करें तो वहाँ पर डिमांड का काफी असर रहा है और पिछले कुछ समय में हमने सभी मोटे अनाजों में अच्छे भाव बनते हुए देखे हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पर बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे की पैदावार भी बढ़ी है और जिस तरीके से आगे लग रहा है कि मंडियों में आवक बढ़ सकती है तो बाजरे के भावों में हम एक सीमित दायरे का कारोबार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो किसानों के लिए क्या आपकी सलाह रहने वाली है? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए क्योंकि भावों में हमने काफी बढ़त बनते हुए देखी है और ऐसे समय में हमें लगता है कि ऊपरी लेवल ऊपरी स्तरों पर कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि जिन किसानों को पिछले कुछ समय में अच्छा मुनाफा आ रहा है या भाव के अच्छे रेट मिल रहे हैं तो उनको मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव हमें लगता है कि सीमित दायरे में रहेंगे क्योंकि आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आगे बढ़ेंगे हम बुलेटिन में। और अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 29 जनवरी को गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार का भाव 4,300 रुपए रहा। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,225 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव 3,320 रुपए रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव 2,915 रुपए रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। ज्वार पर भी हम अनुज गुप्ता जी से जानते हैं कि उनका क्या मत है, चूंकि अभी हमने ज्वार की रिपोर्ट देखी। तो अनुज जी, यहाँ पर ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर हमने एक बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड का असर भावों पे रहा है, कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड की वजह से हमने मोटे अनाजों में तेजी भी देखी है। ज्वार में हमें लगता है कि डिमांड का असर भावों पे रहेगा और भावों में आने वाले दिनों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग का असर भी भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो किसानों के लिए ऐसे में सलाह क्या रहने वाली है आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है उससे काफी हद तक भावों को सपोर्ट मिला। हमें लगता है ज्वार के किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। राज्य की ही कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,240 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,260 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,825 रुपए। जौ की पैदावार की यदि हम बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज
13,71,000 टन रही थी, यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे हम और अब हम अपने जो एक्सपर्ट हैं अनुज जी, उनके साथ एक बार फिर से अपना संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी तो जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में भी हमने आवक बढ़ती हुई देखी है और भाव सीमित दायरे में रहे हैं। हालांकि डिमांड अच्छी बनी हुई है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों के अंदर सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ सकती है। और यदि हम बात करें किसानों के लिए सलाह की, तो वो क्या रहने वाली है? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी सीमित दायरे का कारोबार है और यहाँ पर आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रहेंगे। मगर लंबी अवधि की अगर बात करें तो यहाँ पर भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है, भावों में डिमांड के चलते अच्छी भावों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अगर किसान छोटी अवधि के लिए हैं तो उनको निकल जाना चाहिए, मगर अगर लंबी अवधि के किसान हैं तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों में बह रही है विकास की बयार, बदल रहा है ग्रामीण भारत का हाल। अब देखना है बजट 2024 में क्या है किसानों के लिए खास। देखिए मेरे साथ बजट 2024 गुरुवार 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 29 जनवरी को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,380 रुपए। राज्य की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 4,140 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,550 रुपए पर हुए। राज्य की ही उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,600 रुपए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। इसी साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो ये आपने देखी सोयाबीन पर हमारी रिपोर्ट। अनुज जी के साथ एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोयाबीन की अभी हम बात कर रहे थे अनुज जी, तो यहाँ पर सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में हमने भावों में नरमी का रुख देखा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवक बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है, हमें लग रहा है कि भावों में आने वाले दिनों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल अपनी क्रॉप को मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है, जिस तरीके से हमने क्रॉप साइज बढ़ते हुए देखा है, हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आके नरमी रह सकती है। तो जो जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया और अपना अनुभव साझा किया, तमाम जिनसों पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं लौकी की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसका भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,050 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए,
जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 1,360 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं टमाटर की। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,650 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,560 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारा यह बुलेटिन यहां पर समाप्त होगा। आप तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।